भी नाम अमर करती है। और पिता, ये हृदय का टुकड़ा जब प्राय घर भेजता है तो सास ससुर उसका भी सात पीढ़ियों का नाम अमर करती है। साहब, ये मेरी मात्र शक्ति में ताकत है साहब, इस शिक्षा में ताकत है साहब। एक बार मेरी इस मात्र शक्ति के लिए ताली बजाइए साहब, स्वागत करिए साहब। इन्हों का हौसला बुलंद रखिए साहब, इन्हों का कभी विश्वास नहीं टूटना चाहिए। पटावारों कारण कल उठने इन बहनों ऊपर कोई ऐसी विकट घड़ी आ सके, अधिकत पढ़ाई रो कारण का है। कोई ओपन नेम जो ने विश्व रे में कोई पूरी तो मारी बहन कोई सरकारी नौकरी पकड़ नहीं सके, पर पढ़ाई रो तो जोर क्यों? क्योंकि मेरी बहनों की आने वाली पीढ़ी अगर कभी ऐसी विकट घड़ी आ गई तो ये मेरी बहनें पढ़ी लिखी डिग्री प्राप्त की हुई तो इन्हों की संतान को ये स्वावलंबी बनने की शिक्षा देंगे, समाज में उन्नति करने की इन्हों की संतान को शिक्षा देगी साहब। और ये आपका भविष्य कभी बिगड़ने नहीं देगी, उजड़ाने नहीं देगी साहब। शिक्षा आज का युग रे में अति आवश्यक है साहब। अगर मारी इन मातृशक्ति बहनों रे में शिक्षा आई तो समाज रे में जागृति आवी साहब, समाज रे में जागृति आवी तो मारो हिंदुत्व रे में जागृति आवी, और हिंदुत्व जगे तो मारो सत्य सनातन धर्म सदा अजर और अमर रहे साहब। अने शिक्षा रे में वा ताकत है साहब। शिक्षा थी नशे पत्ते से दूर रहो साहब। जब आपरे में शिक्षा आवी आपके अंदर समझ आएगी, आपके अंदर जब संस्कार आएंगे, मैं मेरी बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अति आवश्यक है साहब। आज का युग रे में अगर शिक्षा आपने अच्छी प्राप्त कर ली, मैंने कई घरों में ऐसी बहन बेटियों को देखी है साहब, कोई नाराजगी की बात नहीं है, जो बाप के आंगड़े पाल पूछ के बड़ी की साहब, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली। मेरी माताएं जितनी बहनें बिराजी है, आप सुनिए साहब, आपके अंदर जो वीरांगना है उसको कभी टकने मत देना साहब। मेरे कहने का मतलब यही है कि उस बाप ने पढ़ाई पाल पूछ के बड़ी की, और कोई भी आदमी रस्ते में मिला और उसका संग लेके रवाना हो गए साहब, नहीं मेरी बहनों, ये नहीं होना चाहिए। आप शेरणी हो साहब, इस समाज की आन बान और शान हो साहब। आपके अंदर अपने पूर्वज भेड़ बकरी चराते थे, वो ऐसे वीर वीरांगना थे कि भेड़ बकरी चराते चराते शेरों को पकड़ लेते तो शेरों के दांत गिन लेते, उन्हों की संतान है साहब। अपन इतने कायर नहीं है कि हर किसी की बातों के बीच में आ जावे साहब, नहीं साहब। अपने पूर्वज मेरी मातृशक्ति आपकी कोख से बड़े बड़े विरलों ने साहब जन्म लिया है और इस भारत देश का नाम, इस समाज का नाम अमर कर दिया साहब। आपकी कोख से महान सिद्ध संतों ने जन्म लिया और इस भारत भूमि में देवासी समाज का डंका बजता है साहब। पर वो आपके अंदर जब मजबूती आएगी, आपका विश्वास दृढ़ होगा, जब ये काम बढ़ेगा साहब। और मेरे इन भाई बंधुओं को भी कहना चाहूं कि आप बेटी और बहुरे में कभी भेद मत करो, भाई आपकी बेटी है, भाई आपकी बहू है साहब। कई जगह मैं देखी हूं साहब, कई जगह ऐडा रिश्ता है अपनी समाज रे में 100 में 70-75% रिश्ता मन मुटाव दी टूटोला पड़ी है साहब। क्यों? क्योंकि भेद कर रिया अपनी खुदरी दिक्री तो अपनी बेटी समेत समझे रिया, और ओपोरे घरे जो बहु लाव रिया अपनी वो समझे रिया, नौकर चाकर समझे रिया, जनरे खातिर ये भेद भावती भी रही हो साहब। नहीं साहब, मारी बुजुर्ग माता बिराजी उन्हों भी कहूं कि आपने घर में जो आप पराई
बेटी ले आया हो ना साहब, उसको कभी बहुमन समझिए, उसको बेटी समझिए, उसको आत्मसम्मान दीजिए, उसको सम्मान दीजिए साहब। वो आपका परिवार का एक हिस्सा है साहब। और नशे पते से दूर रहिए। आज के युग में कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, कई बीमारियां हो रही है, ये सब नशे पते से हो रही है। अपन भगवान श्री राम की संतान है, अपन तो गाय का दूध दही घी खाने वाली संतान है, अपनी वो समाज है सर। अपने अंदर ये डोडा, अमल, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये अपना महत्व नहीं है साहब। अपन तो ठीक द्वापर युग से भगवान श्री कृष्ण ने गाय दी थी लाल पगड़ी वालों को कि आप खाओ पियो और मस्त रहिए सब, अष्टपुष्ट बनिए। ये नशा करना ये अपना काम नहीं है, आपका जिंदगी बिगाड़ रहे हो। 84 लाख योनि भो के एक मनुष्य दे, मानव दे मिली, और वो भी आप एक अमर जैसा जीवन, ऐसा रत्न मिला, और वो भी आप इस मिट्टी में गवा रहे हो जो नशा पता कर रहे हो। इस स्थिति से बाहर आइए आप, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू से बाहर आइए, शराब से। अगर वही पैसे आप बचा के मेरी इन बहनों के लिए पढ़ाई के लिए आपके खर्चे में डालिए ना साहब, वो आपको पुण्य मिलेगा नशों की वजह से। और मेरी इन बहनों को शिक्षा में मेरी जितनी या मातृ सिद्धि बिराजी, जितनी बहनें बिराजी है, आपको मैं कहना चाहूं कि आप खूब पढ़िए, खूब शिक्षा प्राप्त करिए, खूब आगे बढ़िए। आपके पीछे मेरी ये देवासी समाज खड़ी है साहब, आपके पीछे मेरे युवा भाई खड़े हैं साहब, आगे बढ़िए साहब। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुदेव से एक बार गुरुवर के लिए दोनों हाथ से तालियां हो जाए, बहुत शानदार बात कही। और सबसे अच्छी बात ये लगी, ये महिलाओं से गुजारिश करूंगा, उन्होंने कहा कि जिस दिन हम अपनी बहू को बेटी समझ लेंगे, उस दिन हजारों तमाम जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी है वो सब फेर हो जाएगी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है। और महिलाओं की विशेष कमजोरी देखने को मिलती है कि वो अपनी बेटी को तो अपनी बेटी कहते हैं, रखता भी ऐसे ही है, व्यवहार भी उनके साथ वैसे ही होता है, पर जब बहू आती है तो वो सास बन जाती है, और जो सास होती है वो बहुत खतरनाक होती है, और इसी सांस को हम मिटाना होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, उन मुख्य अतिथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम